तो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं लैग्रांज मल्टीप्लायर, लाइक लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो देखिए, ये जो मेरे पास टॉपिक है इसमें भी जैम के क्वेश्चन आते हैं, जैम में इसके क्वेश्चन आते हैं। 2018 में आया था, 2016 में आया था, वो दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और ये जो ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा यहां पर, कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको लैग्रांज मल्टीप्लायर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो पहले मैं यहां पर तरीका बताऊंगा और वो क्वेश्चन लेकर बताऊंगा, इसको मैं आपको क्वेश्चन लेकर बताऊंगा। और देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बस कुछ नहीं करना है, ये वीडियो देखिए, आप सब जान जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैम का हटाओ, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप कर दोगे, बस इतना, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो मैं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि करते कैसे हैं, क्वेश्चन से आपको यहां पर समझाऊंगा, मेथड बताऊंगा कि करते कैसे इसको। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही मैं बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं हम लोग, और वो सब में अप्लाई यही करना है आपको, बस थोड़ा सा माइंड लगेगा इसमें, नहीं तो सब में आपको यही अप्लाई करना है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ the function f of x comma y is equals to 3x plus 4y on the circle x square plus y square is equals to 1 using Lagrange multiplier, using method of Lagrange multiplier। तो यहां पर आपको क्या करना है कि लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज करके आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमा यहां पर फाइंड करना है फंक्शन का। तो देखिए, करना क्या होगा आपको, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं 2016 का भी कराऊंगा क्वेश्चन, 2018 का भी कराऊंगा क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि जैम में इसके क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। ओके, तो इसका करने का मेथड क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है जो मेरे पास, इसको आप यू ले लीजिए, इसको आप एक फंक्शन बना लीजिए, कह रहे हैं यू कॉमा यू बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कर लो, वो क्या है मेरे पास 3x प्लस 4y है, ये काम किया सबसे पहले आपने। अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो मेरे पास कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये गिवन है, देखिए यहां पर मैं आपको बस ये बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में बस इतना बता रहा हूं मैं आपको कि जो भी जैसा मैं बताऊंगा आपको, बस उस मेथड को आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, खत्म। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। एक मेरे पास फंक्शन गिवन होगा और एक कंडीशन गिवन होगी मेरे पास, और ये मैक्सिमम मिनिमम मुझे यहां पर फाइंड करना होगा, मुझे फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होगा, और एक ये कंडीशन गिवन है। तो जो कंडीशन गिवन होगी इसको आप फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लेंगे, इसको आप एक फंक्शन ले लेंगे फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई विद कंडीशन फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। अब आपको क्या करना होगा, ये वन को इधर लाना होगा, इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है, फंक्शन दिया है उसको क्या करना है, यू लेट कर लेना है, और फिर जो आपके पास कंडीशन होगी उसको क्या करना है आपको, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कर लेना होगा, उसको क्या करना होगा, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई करना होगा। तो फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, इसको से जीरो आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब यहां पर लैग्रांज फंक्शन किसे कहते हैं, देखिए यहां पर लैग्रांज फंक्शन करना है, लैग्रांज फंक्शन वो क्या होता है मेरे पास, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये मेरे पास क्या होता है फ्रेंड, ये मेरे पास लैग्रांज फंक्शन होता है, यहां पर इसका यूज करेंगे, ये मेरे पास क्या होता है, लैग्रांज फंक्शन होता है फ्रेंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो और यहां पर ये सेकंड इक्वेशन ले लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने दे दी, यू इज इक्वल टू 3x + 4y किया, और उसको सेकंड इक्वेशन दे दी फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। देखिए ये टॉपिक है मार्क्स बनाने वाले, बस
और कुछ नहीं है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, फाइव एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, और ये लैग्रांज फंक्शन क्या हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा इनटू फाइव एफ एक्स कॉमा वाई। और जो मैं यहां पर एक तरीका बता रहा हूं, यही तरीका सब में लगाना है, आपको सब में लगाना है। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप का, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइन करने के लिए बोलेगा, आप क्या करोगे, यही यूज करोगे, बस खत्म। तो देखते हैं यहां पर f of x comma y is equals to f of x comma y plus lambda phi of x comma y। तो ये देखिए आप यहाँ पर small f of x comma y क्या है मेरे पास, 3x plus 4y है, 3x plus 4y है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x plus 4y, ठीक है, plus lambda phi of x comma y क्या है मेरे पास, 3x square plus y square minus 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x square plus y square minus 1, मेरे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहां पर आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है। भाई हमने बस लाइक 11 12th में हम लोगों ने किया था कि मेरे पास जब इक्वेशन होती थी x plus 2y is equal to something होती थी, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेट कैसे करते थे, dx plus dy ऐसे टाइप के करते थे। तो बस यहां पर भी वही करना है आपको, f of x comma y मुझे गिवन है, तो यहां पर क्या करना है आपको, डेरिवेट करना है इसको, बस हो गया। कैसे करते हैं डेरिवेट, लाइक df is equals to, यहां पर कैसे करेंगे हम लोग, 3dx plus 4dy plus lambda, यहां पर कैसे करेंगे, 2x dx plus 2y dy, और ये 1 का क्या होगा मेरे पास, 0 होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है मेरे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर ये मैंने क्या किया, डेरिवेट कर दिया इसको। आपको सब में यही करना है, सब में यही कॉन्सेप्ट लाइक रिपीट करना होगा आपको, df इसको सो ये कर दिया। और देखिए अब आपको क्या करना है कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे आप, मैक्सिमम मिनिमा किसी पॉइंट पर ही तो निकलता है, तो पॉइंट के x और y की किसी पॉइंट पर निकलेगा। x और y की पॉइंट कैसे निकलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वहां पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमा में क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट लाइक क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ एक्स एफ आई जीरो करते थे, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, क्या करेंगे, डी एफ को जीरो कर देंगे, क्या करेंगे, कैपिटल डी कैपिटल एफ को जीरो कर देंगे, D कैपिटल F को जीरो कर देंगे। रुक जाओ, ऐसा करो, इसको थोड़ा सजा लो यार, अच्छा नहीं लगता ना बिखरा हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब ये है कि जो dx dx है, जो आपस के रिलेशन के हैं, उनको साथ में ले लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, D कैपिटल F इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा लाइक 2 लैम्डा x dx प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा y dy। यहां पर मैंने साथ में कर दिया, अच्छे नहीं लग रहे थे ना दूर दूर, तो यहां पर मैंने क्या किया, इनको साथ में कर दिया। अब मुझे क्या करना है, लाइक डी एफ को जीरो करना है, डी कैपिटल एफ को जीरो करना है, और डी कैपिटल एफ जीरो कब होगा, डी कैपिटल एफ कब जीरो होगा, जब ये वैल्यू जीरो होगी और ये भी जीरो होगी, क्योंकि इसका डी वाई का डीएफ से तो कोई रिलेशन नहीं है, डी वाई का डीएफ से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि आप यहां पर प्लस ले आओ माइनस ले आओ कुछ भी ले आओ, यहां पर प्लस ले आओ माइनस ले आओ कुछ भी ले आओ, क्या कभी जीरो होगा, कभी नहीं होने वाला है। तो ये जीरो कब होगा, जब मेरे पास ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तभी मेरे पास डी एफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी फैन। तो यहां पर इसको मैं जीरो करूंगा लाइक 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, एंड ये मैं करूंगा तो 4 प्लस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गई मेरे पास और ये फोर्थ हो गई मेरे पास। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आपको यहां पर समझ में आया होगा। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है यहां पर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, बचपन में हम निकालते थे, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी बचपन में। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस 3 अपॉन 2 लैम्डा एंड y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 लैम्डा, माइनस 4 अपॉन 2 लैम्डा। अब आप देखिए x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, और जो मैंने इक्वेशन लिखी थी phi of x comma y, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी phi of x comma y, वो क्या थी, x square plus y square minus 1, तो उसमें इसको रख देना है वैल्यू। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले कैपिटल एफ फाइन कर लो, कहने का मतलब ये जो लैग्रांज फंक्शन है उसको दिखा दो, फिर df करो, डेरिवेट किया, फिर जीरो कर दो, इस ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर जो कंडीशन गिवन है ना, सब में यही करना है, जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन मेरे पास ये गिवन थी ना कुछ ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इसको जीरो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि निकाला क्यों है फालतू, फिर इसको निकाला क्यों है, कंडीशन में रखने के लिए निकाला है, तो कंडीशन में रख लो इसको, कंडीशन में अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या, कंडीशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इसको जीरो, यहां पर आप अगर रखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 9 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर लाइक 25 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर हो मेरे पास, उधर चला जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2, लैम्डा की मेरे पास वैल्यू क्या हो गई। तो यार जो हमारा टास्क होता है ना वो लैम्डा की वैल्यू निकालना होता है, बेसिकली जो टास्क होता है वो लैम्डा की वैल्यू निकालना होता है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालना होता है, तो इसी को इसीलिए हम लोग लाइक मल्टीप्लाई यही होता है मेरे पास, लैग्रैंज मल्टीप्लाई यही होता है, तो इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, और अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यहां पर रख दो, यहां पर रख दो यार, इसका भी यूज करो ना, तो ये लैम्डा की वैल्यू यहां पर रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, 2 की एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू आएगी यहां पर, और यहां पर रखोगे तो वाई की वैल्यू आएगी, तो यहां पर एक्स और वाई के लिए इतना मान कर रहे थे हम लोग, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी फ्रेंड, तो बस हमें यही करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर आएगी और 2 आएगी, ऑब्वियसली 2 आएगी, क्योंकि लैम्डा की एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास एक्स और वाई की 2 वैल्यू आएंगी, तो मतलब क्या है, 2 वैल्यू आएंगी मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि वहां पर मैक्सिमम मिनिमम मुझे पता चलेगा, और वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको, यहां पर लैम्डा इसको से एक बार मैं प्लस 5/2 लेके चलता हूं, लाइक इफ लैम्डा इसको से 5/2 अगर मैं यहां पर इक्वेशन में रखूंगा 5/2 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक 3 प्लस 5/2 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 5x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3/5 आ जाएगा, और अगर मैं यहां पर पुट करता हूं मेरे पास क्या आएगा 5/2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू -4/5 आ जाएगा, और x और y के अगर आपके पास वैल्यू आ गई तो अब आपको कुछ नहीं करना है यार, जो फंक्शन बनाया था ना आपने u इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y उसी में पुट कर दो, उसमें पुट कर दो, या अभी मैं पॉइंट बना लेता हूं इतनी जल्दबाजी क्यों, -3/5, -4/5 एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ओके अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -5/2 रख के, और जब मैं -5/2 रखूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3/5 आएगी, और वाई की वैल्यू क्या आएगी 4/5 आएगी, तो एक पॉइंट मेरे पास और हो गया 3/5, 4/5, तो यहां पर कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए, यहां पर कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए, तो देखो करना क्या होगा, 2 पॉइंट आए चाहे 10 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए चाहे 10 पॉइंट आए, आपको सारे पॉइंट रखने हैं फंक्शन में, क्या काम करना है, आपको सारे पॉइंट उस फंक्शन में रखने हैं, जहां पर सबसे कम वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वो मिनिमा होगा, जहां पर सबसे कम वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वो मिनिमा होगा, जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा, उस साइड पर मैक्सिमम होगा, तो आपको क्या करना है कि आपको जितने भी पॉइंट निकलेंगे आपको उस फंक्शन में रखना है, जितनी कम वैल्यू आई वहां मिनिमा, और जहां जितनी ज्यादा वैल्यू आई हम लोग क्या बोलेंगे वो मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, तो बस आपको 2 पॉइंट मिल गए ना, इनको पकड़ो और फंक्शन में रखो, इनको पकड़ो जाने ना दो और फंक्शन में रखो, तो मेरे पास 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, -3/5, -4/5 एंड 3/5, 4/5, तो ओके फंक्शन मेरे पास क्या था, फंक्शन मेरे पास था लाइक 3x प्लस 4y, ये मेरे पास फंक्शन था, अब आपको क्या करना है, एक बार पॉइंट रखना है -3/5, -4/5, तो यहां पर जब आप इसको पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -3/5 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा लाइक -9/5 और यहां पर आएगा -16/5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -25/5, तो मेरे पास 5 लाइक -5 आ जाएगा, तो जो फंक्शन की मिनिमा वैल्यू आएगी एट पॉइंट -3/5 लाइक फंक्शन की जो वैल्यू आई यहां पर -5 आई, अगर मैं यहां पर 3/5, 4/5 पुट करता हूं तो मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रेंड्स +5 आएगी, तो आप समझ सकते हो कि कौन सा पॉइंट मैंने रखा, तो मैक्सिमम वैल्यू दी किसमें मिनिमम वैल्यू, मतलब इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, इसका मतलब क्या है 3/5, 4/5 पर ये मैक्सिमम होगा फंक्शन, और ये -3/5, -4/5 पर ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, तो बस यही आपको बताना है, ऐसे ही बताना है, ऐसा ही करना है, यही प्रोसेस करना है, कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको यही करना है, खत्म। अब मैं यहां पर जैम क्वेश्चन कराऊंगा जो 2016 में आया था और 2018 में आया था, सेम प्रोसेस यही करना है, क्या क्या किया हमने कि मुझे एक सब्जेक्ट दिया जाएगा लाइक एक फंक्शन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट दिया जाएगा, एक मतलब एक कंडीशन गिवन होगी, तो आपको सब्जेक्ट लाइक एक फंक्शन होगा उसको यू मान लेना है और जो कंस्ट्रेंट होगा मतलब क्या है जो कंडीशन होगी उसको क्या करना है फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई करना है, फिर आपको क्या करना होगा लैग्रांज फंक्शन
डिफाइन करना होगा लैग्रांज फंक्शन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा। फिर आपको क्या करना है, उस पर वैल्यू रखनी है और फिर डेरिवेट करना है, पार्शियल डेरिवेट करना है। ओके, पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, इनको पास पास ले लो यार, इनको साथ में ले लो, तो डीएस डीएस को साथ में ले लो, डीवाई डीवाई को साथ में ले लो, डीएफ को जीरो करना है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकालो, यहां पर x और y की वैल्यू लैम्डा टर्म में निकालो और जो कांस्टेंट था ना, कंडीशन थी, उसमें पुट कर दो, जो कंस्टेंट था कंडीशन थी उसमें पुट कर दो इनकी वैल्यू, तो यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, और लैम्डा की वैल्यू निकली आपको फिर यहीं पर आ जाना है, फिर यहीं पर आ जाओ, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालोगे, जितने पॉइंट आएंगे उन सब पर फंक्शन की वैल्यू लिख लो, जिसकी सबसे कम उस पॉइंट पर मिनिमा, जिसकी सबसे ज्यादा उस पॉइंट पर मैक्सिमा, खत्म, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है आपको। तो अब हमें क्या करना होगा, यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2016 में जो क्वेश्चन आया था, अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूं फिर, तो आप देख सकते हो यार कि बस इसी से ही हमारा काम हो जा रहा है, बस आपके मार्क्स बन जाएंगे, और यार ये क्वेश्चन आ भी रहे जैम में, क्वेश्चन आ भी रहे, तो ये भी देख लो, तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये लैग्रांज मल्टीप्लायर, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देखते हैं यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, ओके, अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, जैम 2016 का क्वेश्चन है, जैम 2016 क्वेश्चन है मेरे पास, द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लाइक y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास कंस्टेंट गिवन है और ये मेरे पास सब्जेक्ट लाइक फंक्शन गिवन है f(x, y) इक्वल्स टू दिस। आपको क्या करना है, वही वाली कहानी अपनी करनी है, वो खत्म हो गया, u इसको लेट कर लो f(x, y) लाइक u इक्वल्स टू f(x, y) इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y 2y स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहां पर एक phi of x, y डिफाइन करोगे जो कि ये कंडीशन होगी y माइनस x स्क्वायर प्लस 1 जीरो ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, लैग्रांज फंक्शन उसमें लगाना है। लैग्रांज फंक्शन क्या होता है, लैग्रांज फंक्शन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब आपको क्या करना होगा, डेरिवेट कर देना होगा, मतलब वैल्यू लिख दो यार, फिर उसके बाद डेरिवेट करो ना इसको। तो वैल्यू लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y 2y स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह क्या लिखोगे आप, वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं यार, और कुछ नहीं, यहां एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो मैंने बता रखी है वही यहां पर बस कर रहा हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, डीएफ ये क्या होगा, 2x dx होगा, ये मेरे पास बन जाएगा 4y dy बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस लैम्डा dy माइनस 2x dx, भाई 1 है बेचारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, df को 0 करना है, df को 0 करना है। ओके, इसको अच्छे से कर लो ना, इसको सही से कर लो, तो df ये मेरे पास क्या होगा, लाइक 2x प्लस ये यहां पर dx है मेरे पास, तो हो जाएगा सॉरी माइनस 2 लैम्डा x dx, और ये मेरे पास y y को साथ में ले लो यार, dy dy को साथ में ले लो, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस 4y प्लस लैम्डा dy। ओके, अब df जीरो करेंगे हम, तो जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होगा कब, जब ये वैल्यू जीरो होगी और ये पूरा जीरो होगा। तो समझ पा रहे होंगे आप यार कि ये dx का फंक्शन है, ये dy है, ये dy है, ये dx है, कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तभी जीरो हो सकता है, नहीं तो और कोई चांसेस बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये dx है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या मतलब, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इससे क्या लेना देना, तो लेना देना जीरो कब आएगा, जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ओके, यहां पर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस 2 लैम्डा x इज इक्वल टू 0, और यहां पर मेरे पास क्या बनेगी, 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन कर लो, इसको सेकंड इक्वेशन कर लो, तो जैसा वो मैं बताऊं ना, बस वैसे ही करो, वैसे ही चलो यार, मैं साफ साफ बोलता हूं, वैसे ही चलो, मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, मार्क्स आपके पॉकेट में हैं, तो मार्क्स कहीं भी नहीं गए आपके, बस जैसा जैसा मैं बताऊं आपको वैसा ही आपको करना है,
बस हो गया। अब आप देखेंगे यहां पर x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, वही चीज रिपीट करो यार। यहां पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे, x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी मेरे पास। और इसी तरह यहां पर अगर मैं y के लिए देखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, लाइक y इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4 आ जाएगी। तो y की वैल्यू मेरे पास माइनस लैम्डा बाई 4 आई, और यहां पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना होता है, फिर जो कंस्ट्रेंट आता है, जो कंस्ट्रेंट आता है phi of x को y डिफाइन किया है, उसमें आपको वैल्यू रखनी है x और x की और y की। तो कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या था, y माइनस x का प्लस 1, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह माइनस लैम्डा बाई 4 रखोगे, प्लस 1 इसको से 0 वहां पर, क्योंकि हमने क्या किया था, phi of x को y इसको से 0 किया था ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, y माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इसको से 0। और यहां पर एक ही पॉइंट, लाइक x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 4 रखो, तो ये 0 माइनस लैम्डा बाई 4 प्लस 1 इसको से 0, ये माइनस 1 आएगा, तो लैम्डा इसको से क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास 4 आ जाएगा, लैम्डा इसको 4 आ गया। लैम्डा की एक ही वैल्यू है ना, लैम्डा की एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, x और y की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा आपका, तो वो मैक्सिमा होगा, वो दिया होगा, जो क्वेश्चन था मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट पर फिर वो मैक्सिमा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट गिवन है, एक ही पॉइंट गिवन है, तो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर मिनिमा गिवन होता तो वो मिनिमा होता, क्योंकि हमें ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते ना उसको, अगर एक ही पॉइंट मिल रहा है तो। ओके, अब आपको क्या करना है, लैम्डा इसको 4 रखना है, लैम्डा इसको 4 यहां पर रखेंगे, लैम्डा इसको 4 यहां पर रखेंगे और यहां पर रखेंगे, तो आएगा क्या आपका, लैम्डा इसको 4 जब हम यहां रखेंगे, तो मेरे पास लैम्डा, लाइक सॉरी, लैम्डा की वैल्यू जब यहां मैं 4 रखूंगा, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने है, x 0 ही आने वाला है, तो x 0 ही रहेगा। और जब लैम्डा इसको 4 यहां रखेंगे, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इसको 4 आएगा, तो मेरे पास 4y + 4 इसको 0, दिस इंप्लाइज y इसको - 1 आ गया मेरे पास, तो y की वैल्यू माइनस वन आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू 0, इट मींस पॉइंट क्या बना मेरे पास, x 0 कॉमा माइनस वन पॉइंट बना, ये मेरे पास पॉइंट बना, इसी पर फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा, और एक ही पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट आ गया, तो अपने आप में ही क्या होगा, मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा, अगर देखा जाए तो मैक्सिमा पूछ रहा है ना, तो भाई ठीक है 0 कॉमा माइनस वन रख दो ना, दिक्कत क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में रख दो, इसकी वैल्यू क्या आ रही, देखो 0 कॉमा माइनस वन इसमें पुट कर दो, इसमें 0 कॉमा माइनस वन पुट कर दो, तो 0 कॉमा माइनस एक्स की जगह 0 रखूंगा, y की जगह माइनस वन रखूंगा, तो साफ साफ वो फंक्शन की वैल्यू क्या दे देगा मेरे पास, 2 दे देगा यार, यही आंसर है इसका, 2 आंसर है इसका, खत्म, यही करना था आपको। और आप प्रैक्टिस हल्का करेंगे ना, ये मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, वो तो बताने में थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो बहुत ही फास्ट कर लेंगे आप। अब यहां पर बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन की, यहां पर मैं जैम 2018 के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और यही मेथड अपनाना है आपको, आपको कोई अलग नहीं, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, अगर थोड़ा हटके क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग तो माइंड लगेगा आपका, तो वो ये क्वेश्चन था, हल्का सा लगेगा, देखिए कोशिश करते हैं लगाने की, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास जैम 2018 में क्वेश्चन आया था, ये 2018 में आया था। ओके, क्वेश्चन है, सपोज x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है भाई, मान लिया रियल रियल है नंबर है मेरे पास, such that x plus 2y plus 3z is equals to 1। देखो उसने बोला नहीं है, उसने बोला नहीं है, लेकिन ये मेरे पास क्या, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट हो गया, if capital M is the maximum value of xyz square then the value of 1 by m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, तो अब देखते हैं हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये मेरे पास क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई और ये मेरे पास फंक्शन हो गया, साफ साफ दिख गया, दो चीजें बस दिखनी चाहिए, दो चीजें आपको दिख जाएंगी, बस खुश हो जाओ यार, बस हाँ हाँ वही है जो हमने पहले भी करा था, किया था, वही तो है, खुश हो जाओ, करना क्या है, फिर वही घिसा पीटा वर्क, क्या करना है इसको, इसको u इक्वल्स टू ऐसा कर लो, f ऑफ x कॉमा y कॉमा z कर लो यार, ठीक है, टेंशन क्यों ले रहा, यहां पर z भी है सर, यहां पर z भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बताया वही करना है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। ओके, u इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y कॉमा z होगा, और ये मेरे पास क्या है, x y z स्क्वायर, और इसी तरह phi ऑफ x कॉमा y कॉमा z बना लो,
फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बना लिया मैंने, ठीक है। आप कह रहे हो तो बना ले रहा हूं मैं, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू, लाइक मेरे पास माइनस वन कर लो यार, इक्वल्स टू जीरो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, लैग्रांज फंक्शन, लैग्रांज फंक्शन क्या बोलता है, कहता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये कर दो, ये बोलता है, ओके ये बोलता है, तो हम कर देते हैं ऐसा। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह क्या रखोगे, एक्स वाई जेड स्क्वायर, वही वर्क कर रहे हैं, और मैं यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं अभी तक, यहां पर क्या मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, जो मैंने बताया वही कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा यहां पर, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर आ गया मेरे पास प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दो, ये कहने बोला लैम्डा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस वन, ये मैंने रख दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, डेरिवेट कर दो इसको, पार्शियल डेरिवेट करेंगे लाइक डी एफ इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना होगा, इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा यार, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट लाइक वाई जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा वाई जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब आपको क्या करना होगा, एक बार वाई को कांस्टेंट रखना, लाइक आपने अभी क्या किया वाई जेड को कांस्टेंट रखा एक्स के रिस्पेक्ट में किया, और अब आपको क्या करना होगा कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है एक्स जेड स्क्वायर कांस्टेंट रखना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा एक्स जेड स्क्वायर डी वाई प्लस, अब आपको क्या करना है जेड के रिस्पेक्ट में एक बार करना होगा, तो क्या आएगा मेरे पास टू एक्स वाई जेड डी जेड, ये आएगा मेरे पास। अब इसके अंदर भी, इसके अंदर भी तो जाओ, इसके घर के अंदर तो जाओ, बाहर तो कर दिया, अब इसके अंदर भी करना पड़ेगा, लाइक लैम्डा ये मेरे पास हो जाएगा डी एक्स प्लस टू डी वाई प्लस थ्री डी जेड, और ये वन क्या है मेरे पास, वन मेरे पास कांस्टेंट है यार, तो तुम तो जीरो हो जाओ, अपने आप जीरो हो जाओ बिना कहे, हो गया ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, dx को dx की फैमिली के साथ रखो, dy को dy की फैमिली के साथ रखो, dz को dz की फैमिली के साथ रखो, तो इन सबको साथ में रखो, यहां पर क्या आएगा d कैपिटल f इज इक्वल टू yz स्क्वायर प्लस लैम्डा dx प्लस xz स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा dy, और यहां पर क्या किया मैंने 2xyz प्लस यहां पर मैंने क्या किया 3 लैम्डा DJ, ये मैंने यहां पर कर दिया यार, सच में कसम से बता रहा हूं मैं वही चीजें फॉलो कर रहा हूं जो मैंने पिछला बताया, और क्या मैंने यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सब कुछ वही रिपीट कर रहा हूं, वही रिपीट कर रहा हूं यार, रिपीट करने से देखना क्वेश्चन भी लग जाएगा खत्म, और कुछ कर ही नहीं रहा हूं, वही रिपीट कर करके देखना क्वेश्चन बता दूंगा सारा। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर मैं वही चीज कर रहा हूं, अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान में आ गया होगा कि डी एफ इक्वल टू जीरो करना है यहां पर, तो डी एफ इक्वल टू जीरो कर लो, कर लिया सर जी ठीक है। अब बताओ आप, अब क्या करना है, डीएफ जीरो कैसे होगा, ये जब जीरो होगा ये जीरो होगा ये जीरो होगा तभी तो डीएफ जीरो होगा, तो क्या करो ठीक है कर दो यार प्रेम से कर दो, इसको जीरो कर दो, वाई जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर प्यार से कर दो एक्स जेड स्क्वायर प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी कर दो यार टू एक्स वाई जेड प्लस थ्री लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ओके यहां पर आ गया मेरे पास। अब बताइए सर कि यहां पर x और y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब निकालो आप, अब देखते हैं कैसे निकालते हो, पिछले में तो निकाल दिया बड़े ठीक है, यहां पर निकालो x y z की वैल्यू, तो देखो यार बहादुरी हर जगह काम नहीं आती, बहादुरी हर जगह काम नहीं आती, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो इसमें कैसे वैल्यू निकालेंगे, मार रखे पड़े हो एक्स की जगह, अब यहां पर आप लाइक इसमें मेहनत करो कि वाई की जगह वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई जेड स्क्वायर, यहां पर भी इसी तरह कर दिया और फिर मार इसमें रखे पड़े हो और कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रही है। अब आपको लगाना है यहां पर माइंड, अब आपको लगाना है यहां पर माइंड, यहां पर लॉजिक चलना है, यहां पर लॉजिक लगेगा, मतलब क्या है कि यार इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसमें यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यही निकाल सकते का मतलब क्या है कि अब आपको माइंड लगाना होगा। और देखो जब कभी भी फंसो ना, जब कभी भी फंसो, मैं बार बार बोलता हूं यार, मैंने पिछले लेक्चर में बोला जब कभी फंसो ना तो बेसिक पे जाओ, बेसिक मतलब क्या है जहां से आपने स्टार्ट किया है ना क्वेश्चन वहां पर जाओ, और ऐसा मैं सब क्वेश्चन के लिए बोलता हूं आपसे, मैं सारे क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, कभी भी बीच में फंस जाओ या आगे ऐसी स्टेज आ जाए क्वेश्चन की कि आप फंस जाओ, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो, बस एक बार दोबारा देख लो कि वो क्वेश्चन है क्या, अगर कहीं पर मान लो आप सही चल रहे हो फिर आप कहीं फंस जाओ, तो आप एक बार क्या करो फिर से पीछे एक बार देख लो दोबारा, जहां से स्टार्ट किया था ना वहां दोबारा देख लो, कहां से स्टार्ट किया था, इसकी ओरिजिन क्या है क्वेश्चन की, भाई ओरिजिन ये है कि फंक्शन मुझे ये गिवन था
एफ ऑफ एक्स को वाई जो भी हो कहने को मतलब है, ये एक्स वाई जेड स्क्वायर था और कंस्टेंट मेरे पास क्या था, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू वन था मेरे पास। तो यार देखो अब दिमाग लगाना होगा यहां पर, क्योंकि ये जो है ना मेरे पास ये वन बन रहा है, ये वन बन रहा है। तो ऐसा कुछ करो, ऐसी कुछ सेटिंग बनाओ यहां पर कि ये ऐसा कुछ आ जाए। क्या समझ में आ रही है बातें? देखो यार मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं तो दो मिनट में मैं इसको 30 सेकंड नहीं लगेगा मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। आपको सोचना है चीजें, सोचनी कैसे है ये मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूं, हर लेक्चर में बोलता हूं कि आपको सोचना है चीजें, आपको माइंड डेवलप करना है ना, तो आप यहां पर अप्रोच कैसे रखेंगे तो वो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। बेसिक पर जाओ, ये मुझे दिखा। तो यार जब वन आ रहा है तो कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, इसको देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाया जाए यहां पर कि ये मेरे पास क्या हो जाए, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाए। और वो कैसे होगा सॉल्व, आप क्या करिए, अब देखिए इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो ये मेरे पास क्या होगा, वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? नहीं प्रॉब्लम है। अब इसको इधर भेज दो, वाई लाइक एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप क्या करो, इसको उधर भेज दो लाइक माइनस थ्री लैम्डा। ओके, तो यहां तक आपको क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बस आप सही जा रहे हो एकदम। अब देखिए लैम्डा माइनस टू लैम्डा लाइक माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा, वन टू थ्री, कुछ समझ में आ रहा है? यहां से लिंक कर पा रहे हो? अगर आपके माइंड में आ गया होगा तो समझ जाओ आप सही जा रहे हो एकदम। मतलब क्या है कि यार एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स वाई जेड स्क्वायर बन जाएगा, ये भी, और यहां पर वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वाई एक्स जेड स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर जेड से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, एक्स वाई जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई यहां पर क्या है, कुछ पैटर्न मिल जाएगा, कुछ पैटर्न मिल जाएगा, जैसे कि बताते ना एवरीथिंग इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स, तो यहां पर भी वही चल रहा है सब कुछ। तो यहां पर क्या करेंगे आप, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स। यहां पर अगर आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आएगा, माइनस टू लैम्डा वाई आएगा, और यहां पर अगर आप जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस थ्री लैम्डा जेड आएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है, अब इनको भाई ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐसे बिखरे पड़े हुए समेट दो, क्या आएगा मेरे पास, टू वन थ्री वन फोर, फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, लाइक मेरे पास ये आ जाएगा माइनस लैम्डा कॉमन। अगर आप यहां पर माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड। और यार ये साफ साफ बोल रहा है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वन हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह वन रख लो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। तो यार हर जगह ताकत नहीं चलती है, हर जगह ताकत नहीं चलती है, माइंड लगाना होता है, हर जगह ताकत नहीं चलती है, माइंड लगाना होता है। तो बस हमें यहां पर माइंड लगाना था और कुछ नहीं करना था फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, ऐसा आया कुछ। अब हम यहां पर देखेंगे कि ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं 4xyz² = -λ आ गया मेरे पास। अच्छा अब देखिए यहां पर कि लैम्डा की वैल्यू मेरे पास ऐसी कुछ आ गई, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। अब आपको क्या करना होगा कि जो मेरे पास ये इक्वेशन बनी थी, जो देखिए लैम्डा की वैल्यू मेरे पास ऐसी कुछ आ गई, अब आपको क्या करना है कि जो लैम्डा थी मेरे पास, कहने का मतलब ये है जो मेरे पास इक्वेशन थी पहले, अब ये इक्वेशन थी ना पहले, ये लो कितनी जल्दी जल्दी वर्क कर रहे हैं, देखो कितना मजा आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, ये ऐसी थी ना, ऐसी दिख रही थी ना पहले, हाँ ऐसी दिख रही थी। देखो अब आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू ये उठा के रख दो, लैम्डा की यही वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, तो बस कुछ नहीं कर रहा है यार, जहां से ला रहे हैं वहीं उठा के रख रहे हैं, क्या कर रहे हो सर आप, मतलब कुछ भी नहीं, यहीं से मेरे पास वैल्यू निकलेगी, कुछ भी नहीं, यहां से मेरे पास वैल्यू निकलेगी। यहां पर आप लैम्डा की जैसे ही वैल्यू रखोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, मेरे पास क्या आएगा, वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की जगह क्या रखना है आपको, माइनस फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर, मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है, ये देखिए वाई जेड स्क्वायर दोनों चले गए, यहां पर x की वैल्यू मुझे मिल गई, x इज इक्वल टू 1/4 मिल गया, कुछ राहत मिली, मतलब क्या है, यहां पर x की वैल्यू मिल गई। तो अब समझ में आ गया, देखो यहां तक जो बच्चा कर लेता है ना तो सोच, तब वो समझ जाता है कि यार 90% तो हो गया, 90% तो हमने गेम कर दिया,
हमने यहां पर 90% तो खेल खेल दिया, अब वाई की भी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि इस पैटर्न पे पहुंचना ही, इस पैटर्न पे पहुंचना ही एक माइंड लगाना होता है कि अब पहचानेंगे कैसे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं यार, मेरे क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है आपका, आपका माइंड डेवलप होना चाहिए तभी आप इसको अप्रोच कर पाएंगे। तो जो भी है, मैंने क्या बोला, अगर आप फंस जाओ बेसिक पर जाओ, स्टार्टिंग पर जाओ क्वेश्चन की, वहां से कुछ लिंक मिलेगा आपको, वहां से वो चिल्ला चिल्ला पहले ही बोलेगा कि यार मेरा यूज करो ना, तो यूज करो इसका, तो यूज मैंने किया, इसका यूज किया, उस दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहां वाई से किया, यहां जेड से किया, एड कर दिया दोनों को, यहां वन आ गया, थोड़ी सिंपल बन गई, और फिर यहां लेमडा को यहां पर फिर हटा रख दिया, और यहीं पर ही तो रखते थे, और कहां रखते थे लेमडा की वैल्यू, कहां रखते थे हम लोग, वही उसी इक्वेशन में रखते थे, तो वही रख दिया हमने, ठीक है वही किया हमने। अच्छा अब आप देखिए एक्स की वैल्यू आ गई, तो आप समझ चुके होंगे यहां भी रख दो यार, ये भी तो बोल रहा है मेरे, मुझे भी तो वैल्यू चाहिए, वाई भी यहां पर बोल रहा है कि मुझे भी चाहिए, तो आप देखोगे यहां पर एक्स जेड स्क्वायर इज गोस टू माइनस टू इंटू लेमडा की वैल्यू माइनस फोर वाई जेड स्क्वायर रखोगे आप, माइनस फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर रखोगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहां से xz स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y साफ साफ वैल्यू आ जाएगी 1/8, y की वैल्यू आ जाएगी 1/8, और इसी तरह अगर आप इसमें रखेंगे वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2xyz is equals to minus 3 into minus 4xyz square, ओके तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव 12 बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 12 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या, और एक्स वाई जेड से ये मेरे पास एक्स वाई और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2/12 1/6, तो जेड की वैल्यू मेरे पास 1/6 बन जाएगी। तो देखो पॉइंट मेरे पास मिल गया, यही तो एक टास्क था कि पॉइंट मिलना, मेरे पास एक टास्क था कि पॉइंट अगर मिल जाए तो हो गया काम खत्म, तो पॉइंट मेरे पास क्या बना 1/4, और एक ही पॉइंट बनाया तो सीरियसली मैक्सिमा ही होगा 1/6, ये मेरे पास क्या बना पॉइंट बन गया। अगर पॉइंट बन गया तो भाई रख दो यार, देर क्यों कर रहा हो, फंक्शन में रख दो इसकी वैल्यू, टाइम जा रहा है, तो जिसमें आप जैसे ही फंक्शन में रखोगे वैसे ही आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी, तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। ये नेट का क्वेश्चन था, जैम में NAT में आया था क्वेश्चन ये, तो आपको क्वेश्चन आंसर टाइप करना था उसमें, तो क्या आया मेरे पास आंसर, फंक्शन में मेरे, अब जैसे ही वाई वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखोगे 1/4, वाई की वैल्यू रखोगे 1/8 और जेड स्क्वायर 36, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/1, भाई कर लेना यार 1152 आ जाएगा, बहुत बहुत मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1152 आ जाएगा। और उसने क्या पूछा था, 1/m क्या होगा, देखो यार गलतियां यहां कर देते हो, गलतियां यहां कर देते हो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 100 में से 50% बच्चे मान लो यहां तो निकाल दिए, फिर वो क्वेश्चन नहीं देखते, फिर वो क्वेश्चन नहीं देखते। देखो जो क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको गलत मत करो, मैं बार बार बोलता हूं जो नहीं आ रहा है छोड़ो उसको, लेकिन जो सिंपल है और आ जाए क्वेश्चन उसको जरूर मतलब सही करना, वो नेगेटिव मार्क्स नहीं जाना चाहिए आपका। तो यहां पर उसने पूछा है 1/m और ये m है ना, यही तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको जब आप इसको रखोगे तो 1152 ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1152। यार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 1152 आ गया इसका आंसर। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना लेंथी नहीं था, तो ऐसे करना इसको। तो अब कोई भी लैग्रांज मल्टीप्लायर का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको अप्रोच ऐसी ही रखनी है, चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन होगा अप्रोच यही रखनी है फ्रेंड। तो यहां पर मैंने लैग्रांज मल्टीप्लायर बताया आपको, थैंक्स।